फाइनली गुड मॉर्निंग। तो चलिए अभी मैं आपको एक छोटा सा टूर देता हूँ कि होटल है कैसा। तो ये आपको जस्ट फ्रंट में एक मिरर मिलेगा, काफी अच्छा है। ये बालकनी के लिए एक दरवाजा दिया है डोरी लोग ने। देन टीवी है, टाटा स्काई चलता है, बेड काफी क्लीन है। लेट्स सी, एक टेबल दिया है स्टडी के लिए। देन चेयर है एंड एक आपको कुछ भी सामान रखने के लिए है। बाथरूम आप देख चुके हो, आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ मैं। लुक, ये पूरा प्रॉपर्टी है लोक का, ये बाहर का व्यू है। और यही रिसोर्ट का प्रॉपर्टी आगे भी है जिसमें स्विमिंग पूल भी अवेलेबल है ऊपर इसमें, तो आपको स्विमिंग पूल भी साथ में मिल जाएगा। और ये हमारी बाइक है जो हमने मापसा से ली थी, 300 रुपीज़ में। इसका डिटेल आपको मैं दे चुका हूँ क्या है, तो ध्यान दीजिए। और वो जो दिख रहा है सामने उधर पे, वो बीच है जो आपको ये दिख रहा है ना बिल्डिंग, बस जस्ट इसके सामने बीच है। वॉकिंग डिस्टेंस 1 मिनट भी नहीं है। तो ये है पूरे रूम का टूर, तो काफी बेस्ट डील है, आओ तो लेना है जरूर। सो अभी कुछ होटल की अपडेट दे दूं आपको। तो ये होटल का नाम है ब्लू मरीन रिसोर्ट, जो कि कलंगुट बीच के जस्ट सामने। और गाइस यकीन मानो, बहुत सस्ता होटल है। अगर आप आ रहे हो गोवा स्टे करने के लिए तो इससे अच्छा होटल शायद ही कहीं मिलेगा। मुझे होटल पड़ा है 1000 में 2 डेज विद ब्रेकफास्ट। और मानो कि होटल का आपको इंटीरियर मैंने भी दिखाया और भी दिखाता हूँ, काफी अच्छा इंटीरियर है, फैसिलिटी सब कुछ है। मतलब एक 3 स्टार होटल से था तो नहीं बोलूंगा, लेकिन उससे कंपेयर में भी कुछ कम नहीं, काफी अच्छी सर्विस है। और मेन चीज की आपको कलंगुट बीच के जस्ट सामने मिल रहे हैं विद ब्रेकफास्ट। तो 1000 में फॉर 2 डे प्लस 2 पीपल, हाँ 1000 में 2 लोग 2 दिन के लिए, तो काफी वर्थ इट। आओ तो यहाँ जरूर आना। और बाकी कुछ शेड्यूल मेरा भी है ही नहीं यहाँ पे कि मतलब कहाँ जाना है, क्योंकि मैं पहले आ चुका हूँ, तो कुछ नया प्लेस ही देखूंगा। तो जो और प्लेस मुझे मिलते हैं कहाँ आपको जाना चाहिए आपको मैं डिटेल देता जाऊंगा। और होटल का आपको मैंने नाम डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया हूँ, इसमें आपको नाम है तो आप इसके थ्रू आप आ सकते हो, काफी इजी पड़ेगा आप लोग को। सो गाइस ये हमारी बाइक है, और ध्यान दे कभी यहाँ पे नंबर आपको ऐसे में आना चाहिए, ये टूरिस्ट वाला नंबर रहता है, अदरवाइज ये नंबर प्राइवेट है, अगर पुलिस आपको पकड़ सकती है इसमें मे बी चांसेस है तो चीज का। वही जब बाइक लो तो आप ध्यान रखना कि आप बाइक का 300 से ज्यादा दे मत प्राइस, और होटल में बाइक की सब डिटेल चेक कर लें, बाइक कहीं से टूटी फूटी स्क्रैच तो नहीं है। एक मैं बोलता हूँ आप लोग फोटो निकाल लीजिए बाइक की तीनों चारों तरफ से, बेटर रहता है। हाँ प्लेस जा रहा है, 3 दिन है मेरे पास, संडे मंडे और ट्यूजडे को 3:20 की ट्रेन है टीवीएम से। सो लेट्स सी, देखता हूँ और यहाँ पे क्या नया मिलता है। बाकी आपको मैंने आने की डिटेल तो पूरी दे दी, आप कैसे कम से कम में आ सकते हैं। और हाँ, जाने के लिए एक ट्रेन है यहाँ से, उसका आपको मैं डिटेल दे दूंगा। काफ़ी सस्ते में 300 में ट्रेन है और सिर्फ 8 घंटे में आपको मुंबई पहुँचा रही है, अभी दादर ट्रेन से, तो बहुत बेटर ट्रेन है कम पैसे में कम टाइम में, तो वो ज़रूर लीजिए आइए। गाइस अभी जो आपने प्लेस देखा जो कि कोकोनट के बीच में रोड था, तो काफी फेमस प्लेस है, मतलब काफी शूटिंग वगैरह भी हुई है मूवीज की,
तो आपको वहाँ पे आना है तो कुछ नहीं, गूगल में जाके सर्च मारिए कोकोनट ट्री बिटवीन द रोड, आपको लोकेशन बता देगा और आप इजीली आ सकते हो। और वहाँ से ही आने का रास्ता एक फोर्ट का है, चपोरा फोर्ट का, वो भी काफ़ी फेमस है, काफ़ी मूवी की शूटिंग उसके लिए भी हुई है, तो वो भी इजीली आ सकते हो, ऑन द वे पड़ता है ये। और फिलहाल अभी ट्रिप में सिर्फ सलमान ही मेरे साथ में है और कोई मिला नहीं मुझे। सलमान भाई, तो सलमान क्या, लास्ट टाइम मैंने आज़ाद की ट्रिप मारा था जितना मुझे याद है, कश्मीर ही मार चुका हूँ, दो तीन ट्रिप हुई है अजमेर। और ये जो ट्रिप थी ना एक्चुअली ट्रिप इधर की नहीं थी, ये हम लोग जा रहे थे हम्पी, बट कोविड टेस्ट मांग रहे थे लोग, काफ़ी प्रॉब्लम हुई तो हम लोगों ने कैंसिल करके गोवा आ गए, उसकी थोड़ा सी घूम के रिलैक्स करके चले जाएंगे। तो ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतने ही था घूमने का हम लोग का, एक बीच और एक्सप्लोर करेंगे, फिर कल का देखते हैं क्या प्लान है। मे बी दूसरा अगर प्लान बना रहे जाने का, कुछ 1500 रुपीज़ है उसका, बट लेट्स सी, देखते हैं जाते हैं कि नहीं। ये दोस्तों, ये अंजुना बीच है जो कि कलंगुट बीच से कुछ 10 किलोमीटर की दूरी पे, और आपको यही एक प्लेस है यहाँ पे मे बी आपको अंग्रेज फॉरेनर मिल जाएंगे, और काफ़ी चिल आउट प्लेस है यहाँ पे, रॉक्स टाइप काफ़ी है यहाँ पे, मतलब जो कि बाकी बीचेस में सबको नहीं मिलेंगे। सो आई रिकमेंडेड कि मस्ट विजिट दिस प्लेस, क्योंकि थोड़ा अलग ही वेव्स है यहाँ पे, और यहाँ पे जो रेस्टोरेंट साइड में दिख रहे हैं वो सब कुछ मतलब अलग ही बोलते हैं ना, एक इंटीरियर बना हुआ है जो कि नहीं क्या रहता है फॉरेन साइड में, जो भी रेस्टोरेंट सेम इंटीरियर जाए, क्योंकि मोस्टली फॉरेनर यहाँ पे आके रुकते हैं। सो मैं बोलूँगा यहाँ पे एक बार जरूर आना, अच्छा प्लेस है। तो इस वक्त मैं पणजी में हूँ गाइस, और ये कंसेप्शन नाम से चर्च है जो कि पणजी में अवेलेबल है, और काफ़ी मूवीज़ में इसकी शूटिंग ली गई है, मोस्टली जोस मूवी में भी इसी की शूटिंग ली गई है, और भी काफ़ी मूवीज़ में दिखाया गया है। तो ये आपको पणजी आना पड़ेगा आपको इस चर्च को देखने के लिए, और काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है, और ईजी टू एक्सेस है यहाँ पे आना, मतलब रूट भी डायरेक्टली ईजी, आप गूगल मैप में आपको रास्ता मिल जाएगा। We'll be right back.
गाइज ये है बॉम जीजस चर्च। मोस्टली ये टॉप 5 प्लेसों में आता है गोवा के, आओगे तो जरूर विजिट करना। ये पंजी में पड़ता है और ये आपको बता दूं ये नेस्को हेरिटेज साइट है, नेस्को के थ्रू सर्टिफाइड साइट है ये, तो काफी अभी फिलहाल बंद है, क्लोज है ये चर्च, बट आइए काफी अच्छा चर्च है। उसके जस्ट सामने आपको मिलेगा ये एक म्यूजियम है, तो ये भी अभी फिलहाल अभी चालू है, तो इसमें मैं जाके ट्राई करता हूँ कुछ मिलता है तो ये म्यूजियम भी देखना। गाइस एक अपडेट, अगर आपको काजू वगैरह लेना है तो आप ये रॉयल काजू से लीजिए, यहाँ पे आपको ओरिजिनल क्वालिटी और काफी रिजनेबल मतलब प्राइस अच्छा ये ओरिजिनल क्वालिटी मिलेगी कम्पेयर टू अदर। और इसका लैंडमार्क है जस्ट मैकडी के अपोजिट लैंड की लाइन में ही मिलेगा ये।